आज हमारी नारान में दूसरी सुबह और सब अभी भी सो के उठे हैं। और दूसरी बात यह है कि रात को बहुत तेज़ बारिश होती रही है और सारी रात बारिश होने का एक ये फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है कि यार ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अभी मुँह हाथ भी नहीं धोया जा रहा है उससे। जब तक तो रजाई और कंबल में थे तब तक तो मौसम का कुछ पता नहीं चला था। हम लोग बड़े मज़े से लेटे होते कंबल से बाहर निकले, ओहो हो 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 हो, आज ठंड का पता चल रहा है यार। ये अब मेरे सामने कौन सा पहाड़ है, वो जो पहाड़ है ना उधर, उस पर कल रात को ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। कल वहाँ पे कोई बर्फ़ नहीं थी, आज यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है। ये पीछे से एक चश्मा आ रहा है यार, इसमें इतना काफ़ी ज़्यादा गंद है। वैसे तो ये साफ़ पानी है लेकिन लोगों ने इतना ज़्यादा गंद फेंका हुआ है। वहाँ पे एक बही है, वो यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं इसे। खैर अभी हम लोग सैफर मलूक के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ता कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, अब नहीं पता कि रास्ता साफ होगा या नहीं होगा, हम जा पाएंगे भी या नहीं जा पाएंगे, अब ये देखो क्या बनता है। They don't come on often, but please, you know I can't stand it when you don't talk to me, when you don't talk to me, yeah. There's something inside, yeah, there's something inside that brings me back to you, yeah. No, I can't hide it, no, I can't hide it anymore. सैफर मलूक हम पहुंच गए, 45 मिनट की एक ड्राइव थी और ड्राइव तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब सीन्स काफ़ी इंजॉय करने वाले थे, लेकिन ड्राइव बहुत ख़तरनाक थी। तो ये सैफर मलूक झील है और वो जो ऊपर पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं उसके पीछे आंसू लेक है, वहाँ पे मैंने जाने का दिल कर रहा था लेकिन अब हालात तो ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। यार मैं किसी भी जगह पे चला जाऊँ तो हमेशा मैं घोड़े की सवारी लाजमी करता हूँ, तो अभी यहाँ पे आए हुए तो यहाँ पे भी घोड़े की सवारी लाजमी बनती है। अभी हॉर्स राइडिंग होगी है और अभी थोड़ी सी हाइक करनी है हमने, वैसे ही मज़े लेने के लिए। पीछे सैफर मलूक के बिल्कुल करीब है अभी हम लोग। एक तो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, कुदरत को एंजॉय करने जाते हैं, फिर दूसरा यहाँ पे गंद भी कर जाते हैं। अब यहाँ पानी में इन्होंने प्लास्टिक फेंका है जो पानी में मछलियों के लिए सबसे नुकसानदेह है। याद नहीं आ रहा कि मैंने बताया कि यार जो आंसू झील है उसकी जो ऊंचाई इतनी ज़्यादा कि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत मुश्किल से आप ले सकते हो, मतलब कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है। मैं ये देखो मैंने क्या पकड़ा है, रियान बकरी है ये बकरी। फराज और बिस्मा तुम जो भी हो, पूरा सैफर मलूक तुम्हारे प्यार की गवाही देता है, बस इसी तरह एक दूसरे को प्यार करते रहना। यार मैं हूँ पिंडी का लोंडा, ठीक है ना, मैं अम पिंडी बॉय, लेकिन ये लोग सारे यहाँ अबटाबाद के रहायशी हैं, हवेलियाँ के, ठीक है। ये ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं लेकिन अब ये लोग आगे जा रहे नहीं है, मैंने इनसे ज़्यादा स्पीड पकड़ी हुई है, ये कहते हैं हम थक गए हैं बस। व्हाट द हेल मैन, व्हाट यू डूइंग। असल बात जो यहाँ पर होती है ना वो सिर्फ होती है इंटरेस्ट की। अब मेरा इंटरेस्ट है कि मैंने हाइकिंग करनी है, मैं आया हाइकिंग के लिए, तो यार मुझे इतना कुछ हो रहा नहीं है। बाकी ये लोग अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये लोग बस आए हैं हाथ लगाने, समझ लो। अभी मैंने यहाँ पर एक क्राइम किया और वो साथ बह गया, मिट्टी के अंदर जज्ब हो गया। वहाँ यहाँ से थोड़ा सा आगे आया था, यहाँ पे एक छोटी सी आबादी है यार। और दूसरी चीज़ यार, इन्होंने यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, मतलब कि इधर भी एक किस्म का शहर वाला माहौल है। यार मैं जब का यहाँ पे हूँ, मैंने दो दिन से पानी नहीं पिया, तो अभी यहाँ पे थोड़ा ग्लेशियर का पानी आ रहा था, कहते हैं अब ये साफ ही पानी होगा तो पानी पीता हूँ यहाँ पे ठंडा ठंडा।
जिंदगी के सबसे डेंजरस पुलों में से एक पुल ये है, यहाँ पे जो गया वो गया। यार ये जो बर्फ़ वाली पड़ी हुई ना, ये पहाड़ी को जो कहते हैं वो कहते हैं नीली बर्फ़। 100 साल से पहाड़ी बर्फ़ से ढकी हुई है। तो यार ये हमारा एंड पॉइंट है, यहाँ से ये आगे जा रहे नहीं है, तभी हम लोग यहाँ से वापसी करेंगे। यहाँ का व्यू भी कमाल का, लेकिन आगे अभी हम लोग राफ्टिंग पे जाएंगे ना, राफ्टिंग करने। और चल। अभी का हमारा प्लान ये है व्लॉग में। अच्छा ठीक है। अभी हमारा प्लान ये है कि अभी हमने यहाँ से नीचे जाना है, गाड़ी उठानी है और राफ्टिंग करने जाएंगे। हाँ जेब में डालेंगे उसको, गाड़ी चली जाएगी। ये ऐसा सफ़र है, ये यहाँ पर कैमरा जितना शेकी है ना पता चल रहा होगा। यार अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं राफ्टिंग करने। आई होप सो कि यहाँ पे हो जाए, क्योंकि रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी और अभी हमें रास्ते में एक भी राफ्टिंग वाली कोई शिप नज़र नहीं आई थी। जो भी होता है व्हाटएवर, देखो लेट्स फाइंड आउट। अभी हमारा राफ्टिंग का डन हो गया, हम 2 किलोमीटर आगे जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग यहाँ से पानी के जरिए फिर यहाँ पे आके हमारा स्टॉप होगा। इट्स गोना बी सो फन ब्रो। यहाँ से जाते हुए यार ठंडी ठंडी हवा लग रही है, सर्दी लग रही है। यार अभी मैं ऐसा दिख रहा हूँ और अब मैं इस तरह दिखता हूँ। ओ ये मेरे तो लाओ ना जूते, मेरा हथियार मुझे दे दें, फिर मेरा हथियार मुझे दे दें, किसको चप्पा दूँ। अभी हम लोग सारे जा रहे हैं यहाँ से, हमारे पास 1 मिनट 25 सेकंड है वीडियो बनाने के लिए, तो इस मिनट को हम कंज्यूम करते हुए वीडियो ब्लॉग बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए। आप लोगों को कैसा लग रहा है राफ्टिंग करते हुए? खूब। हारिस भाई सीरो में लवस मोबाइल कटे हुए, ठंड लग रही थी आते हुए उससे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सारे गीले हुए हैं, हम लोग पानी में गीले हो गए हैं। अपने तो जैकेट उठाओ ना, ये यहाँ से उधर डालो। यार नारायण अगर आप आए और आपने राफ्टिंग नहीं की ना तो आपको मज़ा ही नहीं यार। आप नारायण और तो राफ्टिंग लाजमी करना है यहाँ पे, इसके ज़्यादा एक चस है। यार जब राफ्टिंग करके आए थे तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ों के ऊपर पानी गिर गया था, सभी तंदूर के आगे आगे ना, जिस तरह मैंने मरी में कपड़े सुखाए थे इसी तरह यहाँ पे ही सीन चल रहा है। मोबाइल की मेमोरी काफ़ी ज़्यादा भर गई है, तो अभी आगे ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। यार वो बैर कहते हैं ना कि इट्स कोल्ड एयर, और पाकिस्तानी कहते हैं मेरे मुंह से धुआं निकल रहा, तो सेम वही सीन अभी यहाँ से मुंह से धुआं निकल रहा है हम लोगों के।